हिमांश ने किया नेहा पर पलटवार। नेहा के लगाए इल्जामों पर भड़क गए एक्स बो हिमांश। ब्रेकअप वाली खबर पर फिर हिमांश कोहली हुए आग बबूला। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली अपने अफेयर से ज्यादा ब्रेकअप के बाद सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन दोनों का रिश्ता एक साल पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन नेहा लगातार अपने ब्रेकअप पर बयान देती रही। वहीं अब हाल ही में हिमांश कोहली ने पहली बार ब्रेकअप पर अपनी बात रखी, जिसके बाद नेहा ने उन्हें सोशल मीडिया पर जवाब भी दिया। नेहा के इस जवाब के बाद एक बार फिर से हिमांश कोहली ने अपने दिल की बात कही। हिमांश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसे नेहा कक्कड़ से जोड़कर देखा जा रहा है। हिमांश कोहली ने नेहा कक्कड़ के जवाब के बाद एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। इस पोस्ट में हिमांश कोहली ने लिखा, केवल एक चीज जो आपको खुश कर सकती है, और वो ये है जैसे आप हो वैसे खुश रहो, ना कि ये सोचकर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको बता दें, हिमांश कोहली का ये पोस्ट नेहा कक्कड़ के एक पोस्ट के बाद आया है। नेहा ने अपने इस पोस्ट में हिमांश का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा उसी तरफ था। नेहा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, अगर मैंने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो मैं तुम्हारी माँ, पिता और बहन की करतूत भी सामने रख दूंगी। उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, मुझे क्या क्या बोला था। मेरा नाम इस्तेमाल कर अपने आप को बेचारा बनाने की कोशिश मत करो, मुझसे दूर रहो और मेरे नाम से भी। बॉम्बे टाइम्स वेबसाइट से बात करते हुए हिमांश ने कहा था, मीडिया ही नहीं बल्कि लोग भी मुझे नेहा कक्कड़ का एक्स बॉयफ्रेंड कहकर ही बुलाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ रहा है, हालांकि मुझे बुरा भी लगता है क्योंकि मेरी अपनी भी एक पहचान है। रांची डायरीज फिल्म में नेहा का एक गाना था, इसी दौरान हम मिले थे, हम करीब एक साल तक साथ रहे हैं। मैं उसे लेकर काफी सीरियस था और शादी का भी प्लान था। एक वक्त ऐसा था जब सोशल मीडिया पर हर कोई मुझे ही बुरा भला कह रहा था। अब चीजें थोड़ी स्थिर हुई है। नेहा ने जो कुछ भी कहा उसी से लोगों ने अंदाजा लगा लिया और मुझे विलन की तरह बना दिया गया। नेहा ने टीवी शो में रो दिया और लोगों को यकीन हो गया। जब सब मुझे गलत ठहराने लगे तो मैं भी रोना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था मैं, लेकिन मैंने खुद को शांत बना लिया। जिसे मैं इतना प्यार करता था उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ, इसकी बहुत सी वजह थी, लेकिन अब इस पर बात नहीं करना चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि नेहा इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इस तरह हमने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। ब्रेकअप का फैसला उसका था, इसके बावजूद वही सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखती रही। तो नेहा और हिमांश के फैंस, आप कितने शॉक हुए इस खबर को सुनकर। डू लेट अस नो योर व्यूज। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।